नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि भाजपा पार्टी विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार पूंजीपतियों का भला करने में लगी हुई है। प्रदेश सरकार में गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, कर्मचारी और व्यापारी वर्ग दुखी व परेशान है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने पर सरकार विफल साबित हुई है। सरकार में बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग की जा रही है, जिसमें अंतर्गत हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है और सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने का ढोंग कर रही है। देश में कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। महिलाओं के प्रति शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत कार्य करते हुए एक समुदाय को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। राजकुमार सैनी ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर इमोशनल कार्ड खेला, जिसमें देश की जनता भावावेश में बह गई और केंद्र में भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन हरियाणा प्रदेश में झूठ की राजनीति चलने वाली नहीं है। भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास तथ्यों से दूर है। सरकार नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन करते हुए बैकलॉग को जनरल कैटेगरी से भरने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों कांग्रेस व इनेलो पार्टी में भी यही हाल हुआ था। प्रदेश को जमकर लूटने का काम किया गया। अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जनसंख्या के अनुपात में सभी जातियों के लिए 100% आरक्षण के पक्ष में है, जिससे सभी जातियों को उनका हक बराबर मिलेगा। एक परिवार एक रोजगार के तहत परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाएगी। नौकरी मिलने तक परिवार के सदस्य को 10,000 रुपये भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मनरेगा स्कीम में छोटे किसान व मजदूरों को शामिल किया जाएगा। मजदूरों को 300 दिन काम दिया जाएगा और इसके बदले में सरकार द्वारा 300 रुपये व बड़े किसानों द्वारा 300 रुपये मजदूरी प्रदान की जाएगी। SYL का पानी हरियाणा में लाया जाएगा। प्रदेश में गरीबी को मिटाने के लिए परिवार नियोजन बिल पारित किया जाएगा। जिस प्रकार का भेदभाव कमजोर तबके के साथ हुआ, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए और गुंडागर्दी प्रदेश के अंदर चरम पे है। पूरी प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे देश के अंदर बिना ऑक्शन के हजारों ट्रक हर रोज माइनिंग के ओवर लोडिंग का अलग से घोटाला, माइनिंग का अलग से घोटाला, और सरकार ईमानदारी के ढोंग रच रही है। सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है और प्रदेश के अंदर जो पीछे कांग्रेस के 5-5 मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश के कमजोर तबके, दलित और पिछड़ों के साथ 75% हिस्सों की जगह 25% हिस्से तक पहुंचा दिए और उनका शोषण किया। इसके जन जागरण रथ यात्रा के माध्यम से हम जनता को अवेयर करके 2019 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई गठबंधन करने वाले हम नहीं है। हमें एक गठबंधन किया, उसका नुकसान रहा। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।